आपके सामने है, क्या समाधान निकालेगी सरकार? हमारी तो गाड़ी खुद की डूब गई है। ये आपकी बस है? हाँ, हमारी बस है। ये लोहे का जो आप देख रहे हैं ना, जो पोल देकर इसको और चदरा से इसको लोहे का जो टीन होता है उससे रोका गया है। अगर भाई साहब कह रहे कि अगर ये हट जाए, गलती से भी गिर जाए, तो ये पूरा जो इधर बिल्डिंग देख रहे हैं और इसके ऊपर का जो पूरी चीजें हैं सब धस के नीचे आ जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ी सी बारिश होती है, बस फंस जाता है। अब गरीब आदमी का 30-40 हज़ार रुपया का नुकसान हो गया। केजरीवाल सरकार, आप भर पाएंगे क्या? पानी की समस्या को लेकर आप धरना देते हैं और अगले दिन बारिश होती है तो दिल्ली डूब जाती है और फिर अगले दिन आपकी सरकार पानी पानी हो जाती है। समझ ही गए होंगे, केजरीवाल जी जेल में आप बैठे हैं और आतिशी जी कोशिश कर रही हैं अनशन करके, अनशन तो टूट गया उनका, कि आपको जेल से निकाला जाए। इसी बहाने ही सही कि दिल्ली डूब रही है, केजरीवाल ही बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। इस वक्त हम आज़ादपुर मार्केट फ्लाईओवर के नीचे हैं, फ्लाईओवर नहीं, अंडरपास के नीचे हैं। अब देखिए अंडरपास की हालत क्या है, कितना पानी जमा है, बस भी डूब रखी है। और यही आपको केजरीवाल की लंदन वाली दिल्ली का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए लंदन की सड़कें शायद ऐसी ही होती होंगी, जिस पर पानी जमता है, नाली का पानी सड़क पर आता है और नाली का कचरा सड़क पर जम जाता है और आवागमन पूरी बाधित हो जाती है। क्यों बाधित हो जाती है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। किस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया है इस जगह का, इधर अगर नज़र डालेंगे तो सीधा देखिए स्लोप इधर आ रहा है और उधर से भी देखिए स्लोप इधर आ रहा है, बीच में ये पूरा गड्ढा है। बारिश कभी भी होगी, अगर आधे घंटे भी बारिश हो जाए, 15 मिनट भी बारिश होगी, तो यहाँ पर जल जमाव होना आम बात है। पानी यहाँ पर जमेगा और अक्सर यहाँ पर ऐसा होता आया है। अभी आज सुबह में और रात में बारिश हुई थी और जिसके कारण, जिसका नतीजा ये है कि ये जो अंडरपास है आज़ादपुर मार्केट का, वो पूरा आज़ाद मार्केट है, वो पूरा डूबा पड़ा है। और देखिए ये जो अंडरपास है, लोग कह रहे कि सुबह अगर आते आप 5 बजे के करीब तो पूरी ऊपर तक जल था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, पानी तो कम हुआ है, लेकिन पानी तो निकल गया, लेकिन नाली का पूरा कचरा सड़क पर आ गया। यही हालात है। देखिए इधर स्थानीय लोग भी हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है। इधर अक्सर पानी लगता है? हाँ, हमेशा पानी रुकता है। ये आजाद मार्केट पड़ता है? हाँ, आजाद मार्केट का अंडर ब्रिज है यहाँ। कितना देर अगर बारिश हो जाए तो पानी जम जाता है? लगभग आधा घंटा हो तो भी जम जाता है यहाँ पे, तो भी जम जाता है। हाँ, रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है, पूरा रोड ब्लॉक। हाँ, हर बारिश में यही हाल होता है? हाँ, हर बार यही होता है, ऐसे होता है। इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार आपकी? इसका कोई समाधान नहीं निकालती दिल्ली सरकार, कोई समाधान नहीं। हाँ, कब कोई, देख लो आपके सामने है, क्या समाधान निकालेगी सरकार? हमारी तो गाड़ी खुद की डूब गई है। ये आपकी बस है? हाँ, हमारी बस है। ये कितना, मतलब अभी सुबह पूरा डूबा हुआ था ये? हाँ, सुबह पूरा डूब गया था बस, पूरा डूब गया था। हाँ, बहुत मुश्किल से पैसेंजरों को निकाला था, मतलब बस इलेक्ट्रॉनिक है इस वजह से बंद हो गया था, बंद हो गया। उसके बाद में बारिश हुई, बस पूरा डूब गया था। अच्छा। अगर यही अंडर ब्रिज की जगह और ब्रिज होता, हाँ, तो ऐसा काम नहीं होता, ऐसा काम नहीं। हाँ, किसी की जान भी जा सकती थी। पानी जमता है और अंडरपास से गाड़ी आई और इलेक्ट्रिक बस थी, बंद हो गई। हाँ। पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया और पैसेंजरों को बहुत, मतलब रेस्क्यू टीम भी आई। हाँ। उन्होंने मदद करके, कुछ हमारे स्टाफ के ड्राइवर कनेक्टरों ने मदद करके बाहर निकाली इसको। हाँ, अभी टायर ले घूम रहे, बस को निकालने के चल रहे, बस को निकालने के लिए जा रहे हैं। टायर लेके बस इसमें रुकी हुई है पानी के अंदर और पानी फुल भरा हुआ है बस के अंदर, स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। अभी क्रेन आ रही है थोड़ी देर में और बस को निकालेंगे, 10-15 मिनट में आ रही है क्रेन बस। थैंक यू। यात्रियों को तो कोई परेशानी नहीं हुई, निकाल लिया गया था? हाँ, यात्रियों को हुआ था परेशानी, लेकिन निकाल लिया गया था। वैसे कोई जान मान की हानि नहीं हुई थी, लेकिन ये अच्छा नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। क्या केजरीवाल सरकार से क्या गुजारिश करेंगे कि कैसा हल निकालना चाहिए? और हालांकि ये तो नई नवेली कंस्ट्रक्शन लग रही है सारी, यहाँ पे ये अंडरपास जो है नया नवेला अंडरपास लिपा पोती की गई है। नया नवेला ऐसा थोड़ी ना होता है, वो देखिए ना, उधर सब लोग रहते हैं, उधर क्या लगा रखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है नया नवेला। अगर ये आए तो पूरा कचरा, फिर कचरा पूरा गिर जाएगा, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगा। हाँ, लैंडस्लाइड हो जाएगी। हाँ, ये भी एक समस्या है यहाँ पर। देखिए एक और समस्या, बहुत बड़ी समस्या नजर आया, भाई साहब ने हाईलाइट भी कर दिया कि क्या समस्या है। ये अगर ये जो लोहे का जो आप देख रहे हैं ना, जो पोल देकर इसको और चदरा से इसको लोहे का जो टीन होता है उससे रोका गया है, अगर भाई साहब कह रहे कि अगर ये हट जाए, गलती से भी गिर जाए, तो ये पूरा जो इधर बिल्डिंग देख रहे हैं और इसके ऊपर का जो पूरी चीज़ें हैं सब धस के नीचे आ जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और इतनी बड़ी समस्या, इतना सेंसिटिव समस्या को
नजरअंदाज कर देना कहाँ की इंसाफी है जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, और ये हालात है दिल्ली की जनता क्या सोच रही होगी, क्या सोचकर मतदान करती है दिल्ली की जनता, वो उन्हीं की चीज़ें हैं। थोड़ा और उधर पब्लिक भी बैठी है, उनसे भी पूछ ही लेते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों से जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या सोचते हैं। स्थानीय लोग जो बोलेंगे वो हम नहीं बता सकते, जो स्थानीय लोगों को पता होगा। क्या नाम है भाई? हम स्थानीय नहीं है, यहाँ के हैं, अनूपगढ़ से। इधर इस बस में आए थे सुबह। अच्छा, बस में आए थे आप, यात्री हैं? हाँ जी। तो सामान आपका डूबा है बस में? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या सामान डूब गया? सारा सामान ही है बस में। सारा सामान ही है। कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली आए थे। दिल्ली आए थे, सुबह 5 बजे की रुकी हुई है बस। सुबह 5 बजे से बस फंसी हुई? हाँ जी। कोई अधिकारी मदद के लिए आए थे, सरकारी अधिकारी को इधर में? सुबह हमें निकाला था उन्होंने। अच्छा, आपको निकाल दिया, सामान छोड़ दिया? हाँ जी। आप भी यात्री हैं? नहीं नहीं, मैं, मेरा भांजा फंसा हुआ था। क्या फंसा हुआ? भांजा फंसा हुआ था। राजस्थान से आए हैं। हाँ। तो कॉल आई, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो कॉल आई गाड़ी फंस गई है। हाँ। तो फिर मैं आया हूँ, तो भांजे को निकाला, उसको भेजा है। हाँ। सामान है गाड़ी में। अच्छा। सामान लेना है। सामान लेना है। सामान लेना है। चलिए, अभी गाड़ी निकालने की समस्या है, सामान लेना। स्थानीय है आप? नहीं, साथ में ही है। साथ में ही है। आप भी यात्री हैं, आपका भी सामान अंदर गाड़ी में खड़ा हुआ है। चलिए, इसका नुकसान कौन भरेगा? भगवान मालिक है। इधर देखिए, हालांकि सीवर बहुत तेज चल रहा है, ये जो नाली का पानी है ये देख सकते हैं, इसकी गति तेज है, ये इधर ही जा रहा है, और आगे से लीक आपको दिख रहा होगा, नाली का पानी भी इसी पर आकर बह रहा है, यानी अगर नाली ओवरफ्लो हो जाए तो इसी सड़क पर आकर पानी गिरेगा। स्थानीय है या फिर बस में आते? हाँ, इसी बस में आए थे हम। इसी बस में आए थे जी। क्या हुआ, कितने बजे के करीब बस ये? सवेरे ऐसे समझो कि इधर 5-6 बजे लगभग आ गई थी, तब जब बुड़ने लगी थी तब बंदे निकल निकल के भागने लगे, तो पुलिस भी आई थी, उन्होंने बंदों को निकाला था। अब सामान इसमें हमारा सबका पड़ा है, मेरे बच्चों का सामान। क्या क्या सामान है? हमारा सामान है, कपड़े हैं और बर्तन है, पंखा भी है, उसमें रजाई भी है, मतलब सारा गृहस्थी का सामान पड़ा उसमें हमारा। मतलब दिल्ली, आप दिल्ली आ रहे? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान? हाँ, हम सहजानपुर जा रहे थे। अब ऐसी समस्या हो गई, क्या लगता है कोई नुकसान आपका भरेगा? अब नुकसान हमारा कौन भरेगा, अब गाड़ी निकले, सामान जैसे हो तैसे निकले आवे। कितना का नुकसान हो गया? अब नुकसान करीब करीब ऐसा समझो कि हमारा सामान करीब करीब 30-40 हज़ार रुपये कुछ नहीं पड़ा होगा। 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान। चलिए, ऐसी समस्या है दिल्ली में, थोड़ी सी बारिश होती है, बस फंस जाता है, अब गरीब आदमी का 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। केजरीवाल सरकार, आप भर पाएंगे क्या, सोचिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। हमारे भाई ने बताया, भाई है आपके? एक ही। चलिए, सारे लोग हैं, बस को निकालने का इंतजार किया जा रहा है, भाई लोग बैठे हैं कि क्रेन आएगी तो बस को निकाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली किस लिए लोग आते हैं? कमाने के लिए आते हैं, ताकि उनकी अच्छी सुविधा मिले दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में ऐसी सुविधाएं मिलती है, अगर नज़र उधर जा रही होगी, हमारी तो जा रही है, अगर कैमरे की नज़र उधर जा पा रही होगी तो बच्चे नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल बना दिया है बच्चों ने, हालांकि कैसा स्विमिंग पूल जिसमें नाली का पानी बह रहा हो, बच्चे उतने समझदार होते नहीं हैं, उनको क्या पता कि नाली का पानी ही बह रहा है, गटर ही बह रहा है इसमें, और क्या पता बच्चे बीमार पड़ जाए इसमें नहाकर। उसके लिए भी यहाँ पर कोई, हम अभी आए तो आगे में ट्रैफिक वाले बैठे थे, उनसे पूछ के मैं आया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है देखने वाला कि कौन कब चला जाए अंदर, कोई नहीं जानता है, अपनी मर्जी से घुस जाएंगे लोग, नहीं जानता। और अभी भी इसमें अगर छोटे बच्चे चले हैं तो डूब तो जाएंगे ही, छोटे बच्चे को डूबने जितना पानी है उसमें। इधर लोग बैठे, अभी तो मैं बात कर रहा था, और कुछ लोग तो सीधा हाथ ही जोड़ देते हैं कि हम तो नहीं बात करेंगे। लेकिन सबसे, ये सीवर सिस्टम है इधर का, और सीवर सिस्टम का पानी जो जाता है, नाली का पानी, क्योंकि ये पूरा स्लोप है, ढलान है, और इससे जो पानी आता है, अगर नाली ओवरफ्लो हो गया, देखिए सामने देखिए ना, इधर से अगर पानी जा रहा है तो वहाँ से बाहर निकल के सड़क पे ही आ रहा है, तो यही समस्याएं होती है। तो क्या कह रहे हैं? साधन ही नहीं पानी का, निकलने का साधन रहता तो गाड़ी वोड़ा टूट डूबता नहीं, ठीक है। जब बना रहा था जब ही मैंने उसी टाइम में कोई काम करनी बन रहा था, तभी आपको अंदाजा? हम तो यही पे थे, हम तो हम अभी देते हैं।
यही आजाद बागी में रहते हैं। बना है ये कम से कम हो गया वो साल भर हो गया। पिछले साल भी यहाँ पर पानी जमा था पूरा डूब। बहुत ज्यादा था भैया, बहुत ज्यादा। गाड़ी हमारी खुद डूब जाती है इसके अंदर। गाड़ी आपकी भी डूब जाती है? वो नहीं, सामने बत्ती में ऊपर लगा हुआ गाड़ी। हाँ, ये भी डूबा हुआ, इसमें भी ये भी वही हाल है। कोई बनाना कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। प्रशासन कोई पंप वंप लगा के एमसीडी वाले कुछ नहीं कर रहे? अब देखो वही करेगा ना। हालांकि बस निकालने के लिए, हाँ बस निकालने के लिए एमसीडी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है शायद, और खुद से क्रेन लोग बुला रहे हैं बस निकालने के लिए। आप ही की बस फंसी है? नहीं, मेरी क्रेन है, क्रेन लेके आया। आप क्रेन लेके? हाँ जी, बस निकालने के लिए। ये बस वाले बुलाए हैं या फिर एमसीडी की तरफ से? नहीं जी, बस वाले बुलाए हैं। अपना बस वाले परेशान हो रहे हैं सुबह से, अपना सवारियां सारी अपना बाहर निकाली हैं, लोगों के पास ना कपड़े भी गाड़ी के अंदर पड़े हुए, वही मिल नहीं रहे जी। एक मिनट। और भूखे बच्चे साथ है, भूखे बच्चे अपना लेडीज वगैरह ये अपना बुला के लाया हूँ मैं उधर से, उनको ना खाने को ना कुछ, अपना परेशान हो रहे हैं सुबह 6 बजे से। यहाँ कोई शासन का नहीं, कोई कुछ नहीं आया। आप दिल्ली के स्थानीय हैं ना? मैं लोकल ही हूँ यहीं का। अक्सर पानी लग जाता है जब? हर साल होता है पानी, हर साल पानी होता है। ये वैसे खुला तो 2 साल पहले से ही है अपना पुल, पर यहाँ पे और एक वहाँ पे का क्या फायदा, बारिश होगी बंद हो जाए। ये बंद हो जाता है, ये 2-3 दिन पिछले साल भी यही हुआ था, कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता बंद रहा था पिछले साल भी, और कई गाड़ियाँ फंसी थी, परेशान हुए थे लोग। इस साल फिर गाड़ी बुलाई है, देखिए क्रेन बुलाया गया है बस को निकालने के लिए। हालांकि ये जो बस के मालिक हैं उन्हीं की तरफ से बुलाया गया है कि हम कैसे भी करके अपने बस को निकाले, यात्रियों का सामान जो फंसा है उसको कम से कम वापस किया जाए। हालांकि बस को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा पानी की वजह से, इंजन में खराबी हो गई होगी, क्या समस्याएं होंगी, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि एक बस में अगर मान लिया जाए 50-60 यात्री भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो यात्रियों को तो आप बचा लिए, उनके सामान का नुकसान का भरपाई कौन करेगा, और क्यों इतना नुकसान हुआ इसके पीछे? जब आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो क्या आपके दिमाग में सोच नहीं आती है कैसे इंजीनियर्स को आप हायर करते हैं, किनको आप देते हैं ठेका, जो इस तरीके का काम करके निकल जाते हैं और फंस जाती है आपकी सरकार, और फंसेगी इस बार आपकी सरकार फंसी है। पानी की समस्या को लेकर आप धरना देते हैं और अगले दिन बारिश होती है तो दिल्ली डूब जाती है, और फिर अगले दिन आपकी सरकार पानी पानी हो जाती है। समझ ही गए होंगे, केजरीवाल जी जेल में आप बैठे हैं और आतिशी जी कोशिश कर रही हैं अनशन करके, अनशन तो टूट गया उनका कि आपको जेल से निकाला जाए, इसी बहाने ही सही कि दिल्ली डूब रही है केजरीवाल ही बचा सकते हैं, तो देखते हैं केजरीवाल अगर बाहर आते तो बचाते हैं कि नहीं। हालांकि लगता है शिकंजा तो कसते जा रहा है, जैसा CBI ने फिर से उनको हिरासत में लिया है। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत, और कमेंट सेक्शन का दरवाजा खुला रखे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली सरकार की ऐसी कुव्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।